ये है दुनिया का सबसे महंगा ट्रिमर जो कि आता है एप्पल के तरफ से। हालांकि एप्पल वाले जूठा एप्पल देते हैं बट यहाँ पे पूरा का पूरा गोल एप्पल मिलता है और इसका प्राइस जान के आप सच में शॉक हो जाओगे। सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, बताते हैं इसके बॉक्स में आपको और कौन कौन से एक्सेसरीज मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है ये ट्रिमर। बॉक्स को ओपन करते ही आपको नजर में आता है सबसे पहले अपना ट्रिमर, साथ में दिया गया है एक चार्जर, एक एक्स्ट्रा शेवर, प्लस यहाँ पे एक क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है। वैसे क्या आप जानते हैं इसका प्राइस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 के आसपास आपको बड़े आसानी से ये वाला शेवर मिलता है। महंगा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इसकी खास फीचर्स। सबसे पहली बात, एट द टॉप आपको दिया हुआ है एक कैप। कैप को जैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं ये एक फॉइल शेवर है जिससे आप अपने बियर्ड को पूरी तरह से क्लीन शेव कर पाओगे। प्लस यहाँ पे एक बटन दिया गया है राइट हैंड साइड में, इसको अगर आप पुल अप करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक सीक्रेट ट्रिमर बाहर आता है जिससे आप अपने खत के लाइनिंग को प्रॉपरली दे पाएंगे। प्लस इसके अपोजिट साइड में दिया गया है पावर ऑन एंड ऑफ का बटन, साथ में ट्रिमर के दिया हुआ चार्जिंग पोर्ट जिसके हेल्प से आप इस ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। हालांकि इसका चार्जर देख सकते हैं बड़ा अजीब तरह का चार्जर, यहाँ पे कोई केबल नहीं मिलता। चार्ज करने के लिए बस आपको पोर्ट पे इसको कनेक्ट करना है और प्लग पे इसको लगा दो और आपका ट्रिमर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। अब एग्जैक्टली इसका चार्जिंग टाइम है लगभग 3 घंटे के आसपास और बैटरी बैकअप कितना मिलता है कंपनी वालों ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। मेरा मानना है 30 मिनट के आसपास आराम से बैटरी बैकअप मिल जानी चाहिए। और इस ट्रिमर में दिया हुआ है एक सीक्रेट दरवाजा जो इसके पीछे की ओर ही है। जैसे इस दरवाजे को आप ओपन करते हैं आपको नजर आएगा एक शीशा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है जहाँ पे आप खुद की शक्ल जब चाहें तब देख सकते हैं। ये तो इस ट्रिमर के सारे फीचर्स, लुक एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी कैसा है वाइल शेविंग बियर्ड। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने बियर्ड को ट्रिम करने का कोशिश तो किया बट ये ट्रिमर बिल्कुल भी हमारे बियर्ड को ट्रिम नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं हर सस्ता माल अच्छा नहीं होता। लुक कितना शानदार दिया है इस ट्रिमर का, अगर परफॉर्मेंस भी इतना ज़बरदस्त होता तब तो भाई ये ट्रिमर में आपको 1000 रुपये में भी ऑब्वियसली बात है रिकमेंड करते, लोग परचेज भी करते। बट क्वालिटी महा बेकार है, इसको बाय करके आपका पैसा बर्बाद ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर हाथों में खुजली काट रहा है तो ही इस ट्रिमर को बाय करें और एल्स इसे दूर रहने पर आपकी भलाई है। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते घंटे को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।